राहुल गांधी के दावों को सच साबित करने कांग्रेसियों को अब गंगा जल का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और AICC के दिग्गज नेता RPN सिंह ने हाथों में गंगा जल लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। गंगा मैया का कसम खा के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का लोन माफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वादा करते हैं वो जुमला साबित होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा हूँ। ये कसम किसानों के कर्ज माफी के लिए कांग्रेसियों ने खाई है। छत्तीसगढ़ के सियासी समर कांग्रेस को कसम खाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? दरअसल कर्नाटक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर सभा में करते जा रहे हैं। राहुल के इस वादे पर भाजपा ने लगातार तल्ख बयानी कर कांग्रेस की बखिया उधेड़ी है। भाजपा ने राहुल गांधी के हर वादों को झूठा और खोखला बताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा कांग्रेस को अपने इस वादे को सच्चाई से जोड़ने गंगाजल हाथ में लेकर कसम खानी पड़ी। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने गंगा मैया की कसम खाकर ये कह दिया कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ना तो कोई घोषणा कर रहे हैं, ना तो कोई जुमला पत्र है। हम आपको विश्वास देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा और वादा किया है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का लोन माफ करेंगे। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूं कि 10 दिनों के अंदर किसान का ऋण लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है, गंगा मैया का कसम खाके। इस कसम के साथ ही सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने वादों से मुकरने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब तक जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करने का दम भी वो रखते हैं। साथ ही मोदी रमन पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा कि हम उनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते। और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे किए हैं और उनका भाषण आप 10 साल उठाकर देख सकते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का भी दम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वादा करते हैं वो जुमला साबित होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा हूँ। चुनावी समर में वादों और आरोपों की बौछार के बीच गंगा जल लेकर कसम खाने का एक नया पैतरा कांग्रेस ने खेला है। इस पैतरे में छत्तीसगढ़ के किसानों कांग्रेस के साथ हो पाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।